Hello children, I am Nidhi Srivastav and I am going to take your class 6th bio, and for this we are going to start with the first chapter, sources of food. And as we are not having books, so we will start this teaching session on this laptop. Okay, I have already sent some notes regarding this chapter, so now we will start some explanation part. So for sources of food, first of all we should understand what is food. Food hota kya hai? तो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ अ कार. जैसे एक कार को चलने के लिए वी नीड सम फ्यूल, या तो हम पेट्रोल डालेंगे या डीजल डालेंगे तब हमारी कार मूव करेगी. इसी तरह हमारी बॉडी को मूवमेंट के लिए या वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए उसमें कुछ फ्यूल डालना पड़ता है, और दैट फ्यूल इज एक्चुअली द फूड. सो द बॉडी द फ्यूल विच आर बॉडी नीड्स टू कीप इट वर्किंग इज कॉल्ड फूड. उसके बाद व्हाट इज न्यूट्रिएंट, व्हाट इज न्यूट्रिएंट. तो न्यूट्रिएंट समझने के लिए, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द फूड एंड विच इज नीडेड बाय आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. ओके, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स, मिनरल्स. दीज आर ऑल वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड दीज आर द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड. देन कम्स द फंक्शन ऑफ द फूड. हमारे फूड के बॉडी में थ्री मेन फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट फंक्शन इज, एज यू कैन सी इट हियर, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, सो दैट आवर बॉडी कैन डू वेरियस एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, हार्ट पम्प्स बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, आर ब्लड फ्लोज बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी. सो हमारी जितनी वाइटल एक्टिविटीज हैं या वॉलेंट्री एक्शंस हैं, ये सारे होने के लिए हमारा फूड हमको एनर्जी देता है. सेकेंड मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए. जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं उसको मिलेगा तो ही विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. तो एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी फूड की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, एंड फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. एंड थर्ड फंक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट ऑल्सो इज़ टू प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिफिशेंसी डिजीज. फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होने लगेगी, देन वी विल स्टार्ट हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेज. फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारे बॉडी में अगर मिनरल जैसे आयरन की कमी हो जाएगी तो हमको अनीमिया हो सकता है. हमारी बॉडी में अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो हमको स्कर्वी नाम की एक डिजीज़ हो सकती है. तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमको अलग अलग डिजीजेज होती हैं, इसलिए फूड हमको उन डिजीजेज से भी बचाता है. Now let's go to the next page, and there we will understand the ingredients. Ingredients of food किसको कहा जाता है. जैसे जब हम बात करते हैं कोई भी फूड डिश की, फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन सी फूड डिश है और वो उसका नाम है बॉयल्ड राइस. बॉयल्ड राइस जब हम बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है जो हम बॉयल्ड राइस बनाएं, हमें चाहिए होता है राइस एंड वाटर. सो हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, राइस एंड वाटर. बट नाउ इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ चिकन बिरयानी, देन इन राइस और वाटर तो चाहिए ही है, साथ में हमको और क्या चाहिए, कुछ स्पाइसेस चाहिए, कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, और कुछ राइस सॉल्ट चाहिए. राइस और वाटर तो साथ में है ही. सो ऑल दीज थिंग्स मेक द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चिकन बिरयानी. ठीक है, फिर इफ वी टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ फूड. अब हम प्रॉपरली सोर्सेज की अगर बात करें कि सोर्सेज होते कहाँ हैं, कहाँ से हमको फूड मिलता है. व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन फूड, तो ह्यूमंस मेनली जो फूड कंज्यूम करते हैं वो प्लांट्स से करते हैं और कुछ एनिमल से भी करते हैं. प्लांट्स, वी ऑल नो दैट ग्रीन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान वो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, इन सबको लेकर के दे प्रोड्यूस फूड. एंड दिस फूड इज, क्योंकि वो एक्सेस में फूड बनाते हैं तो दे स्टोर इट इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड जब वो डिफरेंट पार्ट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो जब वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को में स्टोर करते हैं, दैट इज एक्चुअली यूज बाय अस एज फूड. तो वो हम अभी चार्ट देखेंगे और हम उसको एक्सप्लेन और एग्जाम्पल से हम करेंगे उसको. कुछ प्लांट्स अपने स्टेम में फूड स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, जैसे शुगर केन हो गया.
कुछ प्लांट्स अपने फ्लावर्स में फूड स्टोर करते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई या फिर कॉलीफ्लावर हो गया। तो वो हम अभी एक चार्ट आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, सो वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक मिल्क। मिल्क वी ऑल नो वी गेट फ्रॉम काउस, वी गेट फ्रॉम बफेलोज, फ्रॉम गोट, कैमल। वी गेट एग्स फ्रॉम हैन, वी गेट एग्स फ्रॉम डक, वी गेट मीट फ्रॉम हैन एंड वी गेट मीट फ्रॉम डक, गोट, फिश एंड ऑल्सो फ्रॉम क्रैब एंड हनी। हनी वी गेट फ्रॉम वी नो हनी बीज सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, और उन फ्लावर से नेक्टर वो निकाल के देन दे कन्वर्ट इट इन टू हनी इन देयर बी हाइव्स, और वहाँ से हमको हनी मिलती है। सो ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द चार्ट, दिस चार्ट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि हम कौन सा फूड हमको प्लांट से और किस प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। सो इफ़ यू सी प्रॉपरली हियर, तो हम देखेंगे कि जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम फ्रूट्स जो हम प्रॉपर जेन्युइन फ्रूट्स खाते हैं वो हैं बनाना, मैंगो एंड एप्पल। कुछ प्लांट्स की हम स्टेम खाते हैं क्योंकि स्टेम में फूड स्टोर्ड होता है, जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, जिंजर। कुछ प्लांट्स के हम सीड्स खाते हैं और वहाँ पे सीड्स में फूड स्टोर होता है, जैसे कि वीट, पी एंड राइस। इसी तरह कुछ प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं, जैसे कि स्पिनिच, कैबेज एंड कोरिएंडर। यहाँ पे लीव्स हम उनको उनकी खाते हैं। एंड कुछ में हम रूट्स खाते हैं, जैसे रेडिश, टर्निप एंड कैरेट। देन कुछ में हम फ्लावर्स खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो जहाँ पर फूड स्टोर होता है, और हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को हम कंज्यूम करते हैं। नाउ द फूड हैबिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी पढ़ा है। फूड हैबिट्स में हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह का फूड वो खा रहे हैं, जैसे हर्बीवोर्स हैं, उनमें क्लासिफिकेशन तीन तरह से होता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं दे आर ईटिंग ओनली प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल बफलोज, काओ, डियर एंड हॉर्सेस, दे आर हर्बीवोरस एनिमल। तो इनके जो स्पेशल फीचर होता है टीथ का, वो ये होता है कि उनके जो आगे के टीथ होते हैं वो शार्प और कटिंग टीथ होते हैं, और जो पीछे के टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग होते हैं और फ्लैट होते हैं, ग्राइंडिंग और फ्लैट टीथ एट द बैक। और कार्निवोर्स में, बिकॉज कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स which are eating only flesh of other animals, for example lion, tiger and wolves and dogs, so they have sharp and pointed teeth. तो इसमें केवल lion, tiger भी ही नहीं होते हैं, इनमें कुछ और animals भी होते हैं, जैसे हम snakes हैं, snakes के teeth बहुत small होते हैं और वो as a whole स्वॉलो कर लेता है अपने प्रे को। इसी तरह जब हम बात करते हैं कुछ बर्ड्स की, तो बर्ड्स भी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो होती हैं, दे हैव वेरी पॉइंटेड बीक्स सो दैट दे कैन टियर द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, लेट मी जूम इट, एंड द टॉपिक इज नाउ स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। स्कैवेंजर्स हम उनको कहते हैं, अच्छा ओमनीवोर्स वी हैव स्किप्ड। ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, फॉर एग्जांपल बेयर एंड ह्यूमंस एंड आल्सो क्रोज एंड कॉकरोचेस, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। स्कैवेंजर्स आर दोज एनिमल्स विच कंज्यूम डेड बॉडीज, दे डोंट किल एनी एनिमल बट दे जस्ट कंज्यूम द डेड प्लांट्स, सॉरी डेड एनिमल्स, उनको वो खाते हैं। इसीलिए उनको एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए बोला, मतलब वी कॉल देम द दे कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, ऐसे हम बोलते हैं उनको, दे हेल्प टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, बिकॉज जैकल्स हो गए, हाइनाज हो गए, क्रोज हो गए, दे जस्ट ईट द ऑलरेडी डेड जो एनिमल बॉडीज होती हैं उनको वो खाते हैं। देन वी कम टू पैरासाइट्स, वॉट आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स आर दोज एनिमल्स विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड, फॉर एग्जाम्पल मस्कीटो। मस्कीटो क्या है, दे सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, तो दे डिपेंड अपॉन ह्यूमन्स फॉर देयर फूड।
इसी तरह फ्लीज हो गए, लीचेज हो गए, दे आर ऑल्सो सकिंग द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ कुछ पैरासाइट्स हम बॉडी के अंदर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल राउंड वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, दे लिव इन साइड द ह्यूमन बॉडी एंड दे ऑल्सो लिव इन साइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स. तो वो डाइजेस्टेड फूड खाते हैं, जो जो एनिमल एनिमल अपना फूड डाइजेस्ट कर रहा है उसी डाइजेस्टेड फूड के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं, और वो खुद का अपना कुछ खाना नहीं अरेंज कर पाते हैं. तो दे आर दैट वे दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. देन वी कम टू द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज द फूड चेन. फूड चेन में आप एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम बना है, बहुत क्लियर है डायग्राम है. वो डायग्राम ये बता रहा है कि ये प्लांट है और प्लांट को खाने वाला है ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को इन टर्न कौन खा रहा है? फ्रॉग. फ्रॉग को इन टर्न कौन खा रहा है? स्नेक. और स्नेक को इन टर्न कौन खा रहा है? ईगल. सो देर इज़ अ फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर. ठीक है, तो फूड चेन शोज अस दैट हाउ लिविंग थिंग्स गेट इट्स फूड इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. ये इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फूड कैसे फ्लो करता है फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं फूड चेन. एंड दिस ऐसे ही फूड चेन के मैं एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ, जो एक एक फूड चेन इन द ग्रास लैंड. ग्रास लैंड में फूड चेन कैसे एग्जिस्ट करती है कि ग्रास को खाता है जीब्रा और जीब्रा को खाते हैं लायन. सो दिस इज ऑल्सो अ फूड चेन ऑफ अ ग्रास लैंड. इसी तरह अगर हम एक पॉन्ड या एक पॉन्ड की फूड चेन को देखना चाहें, तो पॉन्ड में एल्गी भी है, पॉन्ड में स्मॉल फिश भी है, पॉन्ड में लार्ज फिश भी है. तो स्मॉल फिश किसको खाएगी? एल्गी को खाएगी, और स्मॉल फिश को इन टर्न कौन खाएगा? लार्ज फिश. तो वो भी एक तरह की छोटी सी फूड चेन हो गई. सो अच्छा, इसमें एक वन नोटिसेबल फीचर ये है कि ऑल द फूड चेन स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर. हमेशा जो भी फूड चेन स्टार्ट होती है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, यानी कि एक ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है. और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वी एवरी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज डिपेंडेंट अपॉन ग्रीन प्लांट्स. सो दिस इज हाउ द फूड चेन वर्क्स. So now we have completed the topic. All the topics are completed. I hope you have understood it nicely. So thank you for this session.